जरा इस चिट्ठी पर नजर दौड़ाइए। ये चिट्ठी जारी किया है ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी ने। इस पत्र में उन टीचरों के नामों की लिस्ट है जिन्हें इलाके में भिखारियों को खोजने का जिम्मा सौंपा गया है। ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा है कि टीचरों को बकायदा हर दिन 9 घंटे तक भिखारियों को खोजना होगा और भीख मांगने वाले बच्चों की तलाश कर उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाना होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश में टीचरों की भारी कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ बचे हुए टीचर्स की ड्यूटी भिखारियों को खोजने में लगाई जा रही है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स समेत 10 लोगों की ड्यूटी भिखारियों को ढूंढने में लगाई है। फिलहाल प्रदेश में टीचर्स के करीब 35,000 पद खाली हैं और जैसे ही शिक्षकों को इस पत्र की जानकारी मिली तो विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजय कटारिया ने सफाई दी है कि ये एक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य भीख मांगने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है। भीख मांगने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लिहाजा ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शिक्षकों को इस तरह की ड्यूटी पर भेजा गया हो। इससे पहले भी प्रशासन ने टीचर्स की ड्यूटी शराब की दुकान चेक करने, विवाह समारोह में खाना परोसने और शिव महापुराण कथा में लगाई जा चुकी है।